नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खास खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना से मरे लोगों को कंधा देने वाले और उनका अंतिम संस्कार करने से जब उनके घर वाले ही बच रहे हो, तो ऐसे में यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ता कोरोना से मरे लोगों के शवों के अंतिम संस्कार में लगा है। बकायदा सेफ्टी किट पहनकर कोरोना से मरे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब तक दर्जनों कोरोना से मरे लोगों के शवों का हेमंत सिंह अपनी टीम के साथ बुलंदशहर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के शमशान घाट की हैं, जहां पीपीई किट पहनकर कोरोना से मरे वृद्ध का अंतिम संस्कार करने में जुटे ये हैं राष्ट्रीय चेतना मिशन के संयोजक हेमंत सिंह और उनकी टीम। हेमंत सिंह की माने तो कोरोना काल में कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार करना तो दूर, उनको कंधा देने वाले भी इन दिनों सिर्फ इसलिए मयस्सर नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना का डर हर किसी के दिल में समाया है। लेकिन बुलंदशहर में कोरोना से मरे ऐसे लोगों के शवों का अंतिम संस्कार अब राष्ट्रीय चेतना मिशन कर रहा है, जिनका अंतिम संस्कार करने से उनके अपने भी बच रहे हैं। हेमंत सिंह की माने तो उनकी टीम अब तक दर्जनों कोरोना पॉजिटिव लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। मेरा नाम हेमंत सिंह है। हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के माध्यम से इस कोरोना के संकट काल में हम लोग बहुत प्रकार से लोगों की सेवा सहायता कर रहे हैं। जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं या होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर सुबह शाम भोजन पहुंचा रहे हैं, और जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर मृत्यु हो जा रही है, जिनके कोई भी परिजन या रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे बुलंदशहर के बहुत से लोगों का हम लोग अपनी टीम के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा और सावधानी के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आज भी यहाँ बुलंदशहर के मोतीबाग क्षेत्र में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग श्री डीसी गोवल जी की मृत्यु हो जाने के बाद में उनके परिजन कोई भी मौजूद नहीं था। हमारी टीम के सभी साथियों ने पीपी किट और पूर्ण सुरक्षा के साथ में भूतेश्वर शमशान घाट पर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।